हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे उम्मीद है कि 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को यार लाइक कर दो और वीडियो देखते रहिए दोस्तों शुरू से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा इसमें बायोकेमिस्ट्री में भी है और हेल्थ एजुकेशन में भी ये दिया गया है, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये द 2 क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर प्रोटीन की शरीर में कमी पड़ जाए तो क्या क्या उससे दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रोटीन वाले चैप्टर से है हमारा। तो देखते हैं, इससे 2 बीमारियां आती हैं निकल के सामने दोस्तों। एक है क्वाशियोरकर और एक है दोस्तों मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस, ये 2 बीमारियां निकल के आती हैं। तो देखते हैं क्वाशियोरकर क्या होती है, किसमें होती है ये। तो क्वाशियोरकर जो होती है, इट इज मोस्टली इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। दोस्तों ये जो डिजीज होती है, ये बच्चे जो बच्चा होता है, जन्म जब उसका होता है उसके 2 साल बाद ये हमको देखने को मिलती है। इज ड्यू टू वियनिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम ब्रेस्ट। मतलब ये किसके कारण होती है, जो उसकी माता होती है दोस्तों, वो अच्छी तरीके से उसकी केयर नहीं करती है बच्चे की और उसको दूध नहीं पिलाती है, उसको दूध नहीं पीने को मिलता है, जिसके कारण ये डिजीज होती है दोस्तों। उसके बाद में टू अ डाइट लो इन प्रोटीन, और इसीलिए दोस्तों जो वो मतलब उसकी डाइट जो होती है वो बहुत ही प्रोटीन से लो हो जाती है उसमें, तो इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों इसके फीचर्स क्या क्या आएंगे, इसके लक्षण क्या क्या आएंगे अगर ये बीमारी हो जाती है। तो चाइल्ड इज वेरी थिन, जो बच्चा होगा बहुत ही पतला हो जाएगा, उसका भार बहुत कम हो जाएगा। हेयर इज थिन एंड कलर इज रेडिश और ग्रे। जो उसके हेयर होंगे दोस्तों बहुत पतले पतले होंगे और उसका कलर रेडिश ग्रे हो जाएगा बालों का। डायरिया इज कॉमन, और डायरिया उसके हो जाएगी दोस्तों, डायरिया उसके रहेगी ही रहेगी। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन में पिगमेंट हो जाएंगे। थिकेनिंग एंड क्रैक्स टू अल्सर, और छोटे छोटे क्रैक्स हो जाएंगे जो अल्सर में बदल जाएंगे। मैनेजमेंट इसका करेंगे हम कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करने के लिए एक आता है दोस्तों ट्रीटमेंट, एक आता है रिहैबिटेशन। तो ट्रीटमेंट बाय वियनिंग फूड्स एंड विटामिन के द्वारा, उसका हम जिसकी कमी है विटामिन की कमी है उसको हम विटामिन प्रोवाइड कराएंगे। और रिहैबिटेशन इन न्यूट्रिशन सेंटर्स, और न्यूट्रिशन सेंटर से भी इसका होता है दोस्तों। के बाद में दोस्तों हम इसमें देखेंगे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है ताकि ये ना हो। तो एजुकेशन ऑफ मदर्स अबाउट न्यूट्रिशन, मदर को शिक्षित करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। सप्लीमेंटेशन ऑफ डाइट प्रोवाइड इन न्यूट्रिशन सेंटर्स लाइक ICDS, और जो दोस्तों सप्लीमेंटेशन जो डाइट प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में उनको शिक्षित करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारी नेक्स्ट आती है मरासमस। तो मरासमस जो होती है, इट अकर्स इन द सेकेंड 6 मंथ। अब जो बच्चा होता है वो जब उसका जन्म होता है उसके 6 महीने बाद ही उसको ये दिक्कत हमको देखने को मिलती है उसमें। इट अकर्स ड्यू टू अ डाइट वेरी लो इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, और ये जो दिक्कत होती है इसमें दोस्तों बस इतना ही फर्क है कि इसमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ये चीज देखने को मिलती है। काउजेस क्या है इसके, क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से ये हो सकते हैं। वेरी डाइल्यूट काउज मिल्क, मिल्क जो है काउज का वो बहुत पतला अगर होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। द मदर मे गो टू वर्क लीविंग द बेबी विद ओल्ड ग्रैंड मदर सिस्टर और नाइबर। अगर मदर कहीं काम करने जाती हैं और बच्चे को मदर के ग्रैंड मदर के पास या फिर सिस्टर के पास या नाइबर पड़ोसियों के पास छोड़ के जाती हैं तो भी उसकी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं वो डाइट ले पाएगा। सो द चाइल्ड इज नॉट प्रॉपरली केयर्ड एंड फिट, इसलिए जो बच्चा होगा वो प्रॉपरली केयर नहीं हो पाएगा और फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दिक्कत। फीचर्स क्या हैं, चाइल्ड इज वेरी थिन, बच्चा बहुत ही पतला हो जाएगा दोस्तों। हेड इज लार्ज, इसमें सर बड़ा हो जाएगा। लिम्ब्स लुक लाइक स्टिक्स, और जो लिम्ब्स होंगे वो छड़ी जैसे पतले दिखेंगे। वेट बहुत ज्यादा घट जाएगा। डायरिया एंड
डिहाइड्रेशन, डायरिया हो जाएगी दोस्तों। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर से पानी निकलना बहुत तेजी से, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम आगे देखिए दोस्तों इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्वासियोर करके ही जैसा किया जाता है जिसमें वो लिखा है दोस्तों, सेम वही है। प्रिवेंशन क्या है इसका, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये दोस्तों हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये टॉपिक जरूर जरूर पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।